आज हम लोग बात कर रहे हैं जेई नीट एनटीए का बीपीपी 2 का सॉल्यूशन आज हम लोग देख रहे हैं। यह जो सॉल्यूशन जो दिया जा रहा है, ये सॉल्यूशन में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉब्लम के प्रैक्टिस पर जो है उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है मेडिकल या इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जितना जो है सो थ्योरी पढ़ना है, उससे ज्यादा जो है उसके प्रॉब्लम पर जो है सो कॉन्सेप्ट बनाना है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, मतलब प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करना है, तब जो है सो जाकर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तब जो है पूरे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन तो एक ही होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को जो है सो दूसरे दूसरे ढंग से पेश करने पर उसका जो है सो वो आंसर चेंज कर जाता है, और एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज पर ध्यान रखेंगे, इसी के लिए जो है सो मैंने ये जो है सो डीपीपी सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन या डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका सॉल्यूशन जो है देने का एक मैंने प्रोग्राम बनाया हूँ। और यह जो प्रोग्राम है डीपीपी क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन प्रोग्राम, अब ये जो है सो जितने भी डीपीपी होगा उसका सभी का मतलब जितने भी जो है डीपीपी का क्वेश्चन बनेगा उस सभी का सॉल्यूशन जो है सो डिटेल यहाँ पर मिलेगा। और दूसरा जो प्रोग्राम जो है QGT 30 क्वेश्चन कॉन्टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट फॉर जेई नीट NTA 11 एंड 12। तो यह जो है जेई नीट और NTA, यह जो है इसके लिए QGT 30 या क्विज कॉन्टेस्ट का भी व्यवस्था किया जा रहा है। ये और इसमें 11th और 12th के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि मैं या अपियरिंग स्टेज में जो है सो कंपटीशन को निकाल सकूं, या फिर मुझे बेहतर नॉलेज हो, उसके लिए जो है सो इस क्विज कॉन्टेस्ट में जो है सो ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो है ये अब जो है यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कहता है कि स्टेट वेदर द गिवन मॉलिक्यूल्स आर प्लैनर और नॉन प्लैनर एंड कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। यह जो है 2 दिन पहले मैंने यह DPP 2 दिया था क्वेश्चन, आज इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। तो इसमें दो चीज कहता है कि इसमें से ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी का सभी जो है सो प्लैनर होगा या नॉन प्लैनर होगा इसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ जो है सो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करना है। क्योंकि यह जो प्लैनर और जो है नॉन प्लानर की जो बात होती है, इसमें जो है सो बहुत सारा, और खास करके जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो ये देखा जा रहा है, इंजीनियरिंग में तो ऐसा देखा जा रहा है कि हर एक साल लगभग जो है सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ही देता है, यानी एरोमेटिसिटी से। तो यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है सो एक एरोमेटिसिटी का भी कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि वहां पर भी जो है सो प्लानर और नॉन प्लानर की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है सो इसमें कहता है कि प्लानर नॉन प्लानर और इसमें कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए सबसे पहले जो है ये जो कंपाउंड जो होगा, इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने कई वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत सिंपल ट्रिक बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करना है कि जो भी कंपाउंड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन जिस एटम का हम लोग निकालना चाह रहे हैं, उसके जो है उससे जो कितना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसको काउंट करके -1 कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा एसपी के पावर के रूप में वो लिख देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो है सो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये सभी जगह जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस तरह से, और जब प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे इस कार्बन के लिए। तो इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, 1 2 3 सिग्मा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। यानी इस तरह से जो है सो इसमें जितने भी है एटम सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2। तो यहां से लिख सकते हैं कि ऑल एटम्स या ऑल कार्बन एटम्स लिख सकते हैं, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये जो है सो यहां से बन गया। अब ये जो कंपाउंड जो होगा इस कंपाउंड को कहेंगे प्लैनर। प्लैनर को कैलकुलेट करने के लिए जो है सो हम लोग
एक मेथड तो देखते हैं कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा सोनी का, तो वह जो है सो प्लेनर काउंट कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये जो है सो जैसे एक्सेप्शन वगैरह होता है वहां पर ये जो है सो इरर हो सकता है। और यह जो है सो आगे हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो है सो sp2 हाइब्रिडाइज होते हुए भी वह जो है वह प्लेनरिटी को शो नहीं कर पाता है, यानी वह जो है सो प्लेनर नहीं बन पाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पर जो है सो हम लोग देखते हैं कि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। तो इस तरह से जो है सो बात हम लोग करते हैं, और एरोमेटिसिटी पर इसका डिटेल चर्चा भी होती है। तो यह जो कंपाउंड है ये कंपाउंड जो है सो प्लेनर होगा। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें सभी जो है सो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा यह सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यह भी यह जो स्ट्रक्चर जो होगा इसको कहेंगे नॉन प्लेनर, यह जो है सो नॉन प्लेनर। अब यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हुए भी यह प्लेनर नहीं है। रीजन क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस है, और यहाँ पर जो है सो ये इसको जो है सो हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक भी, नॉन एरोमेटिक, जबकि होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन होता क्या है नॉन एरोमेटिक होता है, प्लेनिटी जो है सो इसका डिस्टर्ब हो जाता है, इसी वजह से यह जो है सो एंटी एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक होता है, और ये जो है सो प्लैनर बनता है, तो ये प्लैनर जो है एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ से इसको लिखेंगे कि यह जो है एरोमेटिक भी है। अब देखिए यहाँ से जो है इसकी जब बात करते हैं, यहाँ पर भी जो है सो स्टेरिक हिंड्रेंस करने के चलते जो है यहाँ पर ये भी जो है आपका सभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हुए भी ये जैसो प्लैनर स्ट्रक्चर को शो नहीं करता है, यानी इसमें भी देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 कर सकते हैं, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ से sp2 कर सकते हैं, इसका भी sp2 होगा और इसका भी sp2 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी sp2 लिखेंगे, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगा, लेकिन यह जो है सो स्ट्रक्चर क्या होगा नॉन प्लेनर होगा, ध्यान रखेंगे नॉन प्लेनर। यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह के सिस्टम्स में यह पाया जाता है। तो इस जो है सो कुछ इसमें जो है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यह जो है सो प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाता है, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पर इसकी जब बात करते हैं तो ऑल एटम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन एटम्स, यहाँ लिख सकते हैं ऑल कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन अब जो है सो यह जो डबल बेंजीन है, यानी नेफ्थलीन इसको बोलेंगे, सॉरी नेफ्थलीन इसको कहेंगे। अब यह जो नेफ्थलीन जो है जिसमें दो डबल बेंजीन रिंग है, यह जो है सो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और यह जो है सो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। यहां से इसका लिखेंगे प्लेनर, और यह जो बनेगा एरोमेटिक बनेगा। तो इस तरह से इसका जो है सो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर जो है देखिए 1 2 यह दो, एक पाई एक सिग्मा, वन पाई वन सिग्मा वन सिग्मा, यानी 3 सिग्मा। तो जब 3 सिग्मा होगा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp लिखेंगे, और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखेंगे। ये भी जो है सो स्ट्रक्चर जो होगा नॉन प्लेनर, जबकि होना चाहिए था प्लेनर, लेकिन रीजन क्या है कि यहाँ पर जो थर्ड जो है ये वाले कार्बन जो है यह जो है इसका जो पी ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग के दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेनिटी जो है सो इसका डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर जब देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, यह भी स्ट्रक्चर जो है सो नॉन प्लेनर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो सो प्लेनरिटी का केस देखते हैं, कौन प्लेनर होगा कौन नॉन प्लेनर होगा। तो नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर CH2+, यहाँ पर जो है कार्बन, यहाँ पर CH2, तो इसका मतलब है कि यदि इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और यहाँ पर भी जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जब हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो ये प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करेगा, रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है, के चला जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब है कि यह जो है सो प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। तो
पॉपुलैरिटी को हम लोग कई टाइप से दिखा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, और ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ये भी कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो यह जो है इस तरह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना, इसमें भी सेम सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पर जो है ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो यहाँ पर जो है सो कह सकते हैं ये भी जो है सो प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है यानी हाफ यहाँ से और यहाँ से ये हाफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा मतलब रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ये भी स्ट्रक्चर जो है सो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो है इसके मतलब अब यहाँ से जब देखेंगे तो इसके ऊपर जो है सो देखिए कि एक लोन पेयर है, यह जो है सो लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये चला जाएगा यहाँ पर, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा। तो यहाँ पर यह भी स्ट्रक्चर जो है सो ये भी बनेगा प्लैनर। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए यह जो है स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, यहाँ पर भी sp2 होना चाहिए और यहाँ पर भी sp2 और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी इस सभी कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन ये सभी का हम लोग देख लें कि सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन बचा क्या ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसमें जो है सो दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यहाँ, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड जो है ये जो है सो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इस पाई बॉन्ड का जो है सो पार्टिसिपेशन इसके इसमें जो नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो है सो ये पार्टिसिपेट नहीं करता। पाई बॉन्ड तो देखने में लगता है लेकिन इसका जो है सो ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड कहेंगे इसको, ये जो है सो पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें, इस वजह से इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। और इसको जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ इसको हम लोग नेम भी लिखते हैं बेंजाइन। बेंजाइन जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि थर्ड जो ये पाई बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड ये जैसो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है इसके जैसो कंजुगेशन में, इस वजह से यहाँ पर जो है सो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 नहीं लेकर sp2 हम लोग लेते हैं। अब मतलब यह जो कॉन्सेप्ट है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, इसलिए यह जो है सो कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का होगा। यहाँ से आपसे कभी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है सो एरोमेटिक और यह जो है सो बनेगा प्लैनर। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि बेंजाइन जो है जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका थर्ड पाई बॉन्ड जो है ये वाला पाई बॉन्ड ये जो है सो पार्टिसिपेट नहीं करता है, इस वजह से जो है यहाँ पर देखने में तो ये पाई बॉन्ड लगता ही है, पाई बॉन्ड होता ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है, इससे इसका जो है सो कंजुगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी डू नॉट टेक पार्ट इन कंजुगेशन। लेकिन यह पाइबोन जो है यह कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए यह जो है सो प्लेनर स्ट्रक्चर है और यह जो है सो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इस तरह से यहाँ पर जो है ये कुछ नहीं दिया गया, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन। अब देखिए कि यह जो है ये पाइबोन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये चला जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। इसका मतलब है कि यह भी जो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से जो है सो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसका प्लेनर स्ट्रक्चर है उसको जो है सो सॉल्व करने के लिए रेजोनेंस को भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, और इसके बाद जो है उसमें हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यह जो है सो यदि आपको पता है तो जो है सो आगे इसको प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें कई कॉन्सेप्ट है लेकिन ये सभी कॉन्सेप्ट एक जगह पर पॉसिबल नहीं है, यह जो है सो आगे हम लोग फिर कहीं ना कहीं सब चीज मिलेगा उसको जो है सो आगे हम लोग देखते चलेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ से ये जो कंपाउंड जो दिया गया है इसका भी प्लानर स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो देखिए कि सबसे पहले इसके ऊपर जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है सो टू लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर यहाँ एक लोन पेयर यहाँ पर होगा इस तरह से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो लोन पेयर है ये टेक पार्ट इन रेजोनेंस इस तरह से, या फिर मान लिया जाए कि यदि हम इसको यदि इधर से करते हैं ये जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डबल सिंगल लोन पेयर, एक जो है सो पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरा जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब है कि यह जो है सो स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा, और इस स्ट्रक्चर में जो है सो हाइब्रिडाइजेशन की बात यदि करते हैं तो यह जो कार्बन जो है ये कार्बन एसपी टू होगा, ये भी कार्बन एसपी टू बनेगा, ये भी कार्बन एसपी टू होगा, और ये भी कार्बन जो है एसपी टू होगा। और इसके लिए जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, यानी कि ऑल एटम्स जो है देख सकते हैं ऑल एटम्स आर एसपी टू हाइब्रिडाइज। तो इसका मतलब है कि ये जैसे प्लैनर स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। इस केस में भी सेम सिचुएशन, यहाँ पर लोन पेयर होगा, यहाँ पर लोन पेयर होगा, टू लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड में आएगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, यानी इसका जो है रेजोनेंस होगा, ये जो जो कार्बन होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, और इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, इसके बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, क्योंकि एक सिग्मा बनेगा और ये जो है सो बनेगा पाई। तो यहाँ पर थ्री सिग्मा -1 करेंगे एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, तो यहाँ पर भी लिखेंगे ऑल एटम्स आर एसपी टू हाइब्रिडाइज, और यहां से ये भी जो है सो प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, एरोमेटिक ये भी बनेगा इसका यदि कहेंगे तो। देखिए यहां से जो है इसका स्ट्रक्चर जो है लिखेंगे फ्यूरॉन इसका नेम, इसका लिखेंगे थायोफिन, इसका लिखेंगे पायरोन्स, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसका एसपी टू होगा, यहाँ पर भी एसपी टू हाइब्रिडाइज, यहाँ भी एसपी टू और यहाँ पर भी एसपी टू। अब ये देखिए ये हाइड्रोजन को हम इस तरह से लगा दें, इसके ऊपर भी जो है वन वन पेयर होगा, यह पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये चला जाएगा यहाँ, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है सो फिक्स रहेगा। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है ये लोन पेयर जो है सिग्मा बॉन्ड की तरह काम होगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, इसका भी एसपी टू, इसका भी एसपी टू, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ऑल एटम्स आर एसपी टू हाइब्रिडाइज, यह जो है प्लैनर स्ट्रक्चर बनेगा, और इसको जो है हम लोग कहेंगे कि यह जो है एरोमेटिक नेचर को भी शो करेगा बाई रूल। तो इस तरह से यह जो है सो स्ट्रक्चर जो है जिसमें हम लोग इसका प्लैनर स्ट्रक्चर को देख रहे, कौन प्लैनर स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा, और किसका नेम क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सभी को काउंट कर लिए। तो इस तरह से जो है सो प्लेनर नॉन प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन की बात हम लोग इस टाइप के कंपाउंड में करेंगे, और जो है इसी के आधार पर जो है इसका प्लेनरिटी को जो है सो हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये जितने भी कंपाउंड दिया गया है सभी कंपाउंड में कौन सेचुरेटेड कंपाउंड होगा कौन अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, जो कि हम लोग 11th के जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें जो है सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन, इसमें जो है सो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात हम लोग करते हैं।
तो यहाँ पर देखें कि यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन जैसे सेचुरेटेड होगा, कौन अनसेचुरेटेड होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का कॉन्सेप्ट में सीधे हम लोग ये देखेंगे कि यदि सेमेटम के बीच यानी कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो वह सेचुरेटेड होगा, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड होगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि यदि कार्बन के साथ कोई अदर एटम भी प्रेजेंट होगा, यदि उसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो वह सेचुरेटेड होगा, और यदि वह कंपाउंड जिसमें जो है कार्बन और अदर एटम के साथ भी यदि डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वह जैसो सेचुरेटेड होगा, अनसेचुरेटेड होगा। तो यह जो अनसेचुरेटेड की बात जो करेंगे, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड पाया जाएगा वहां अनसेचुरेटेड, चाहे वह सेम कार्बन एटम हो या डिफरेंट एटम हो। और साथ ही साथ जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि क्लोज चेन हो या ओपन चेन हो, क्लोज चेन में भी यदि सिंगल बॉन्ड है तब तो वह सेचुरेटेड, और यदि डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड। सीधे सीधे इसका कॉन्सेप्ट यहां से देखिए कि यहां पर सभी कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है, तो यह जो बनेगा सेचुरेटेड, यहां से लिखेंगे सेचुरेटेड, यह कंपाउंड होगा सेचुरेटेड कंपाउंड। अब जो है इस केस में देखेंगे तो यहां भी जो है सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहां भी लिखेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड सेचुरेटेड कंपाउंड। इसमें जब देखेंगे तो यहां पर भी देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड ही है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसको लिखेंगे सेचुरेटेड सेचुरेटेड कंपाउंड ये भी होगा। अब जो है इसके बात करते हैं तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है और बाकी सब सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की वजह से यानी मल्टीपल बॉन्ड है, तो यहां लिखेंगे अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड यहां पर बना। ये जो कंपाउंड जो क्लोज चेन है लेकिन सिंगल बॉन्ड है, तो इसको कहेंगे सेचुरेटेड सेचुरेटेड कंपाउंड, और ये जो है डबल बॉन्ड है यानी मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो इसमें देखिए ये जो ऑप्शन ये क्वेश्चन जो दिया हुआ CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन है CH3, तो इसको लिखेंगे अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको भी लिखेंगे अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, तो अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इस केस में जब देखेंगे तो यहां CH3CH यहां लिख सकते हैं, देखिए तो CH3 तो यहां पर बन जाएगा CH2, यहां पर भी CH2 बनेगा, लेकिन यह कार्बन और नाइट्रोजन जो है इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड ग्रुप जुटा हुआ है, तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होने से यह जो सो बनेगा अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब इस केस में देखेंगे तो यहां पर भी जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहां पर COH है तो यहां पर भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, यहां भी डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो इसको भी लिखेंगे अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इस केस में देखेंगे तो ये जो है ये भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर एक यहां पर और एक इसका लोन पेयर, इस लोन पेयर से यानी ये जो है पायरोल स्ट्रक्चर जो है, यानी कि इस स्ट्रक्चर का नाम पायरोल। अब ये देखिए कि यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड की तरह काम करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन सभी का sp2। अब यहां से जो है यह जो है दोनों यहां पर दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ही, तो यानी ये भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना।
unsaturated, unsaturated compound. इस तरह से अनसेचुरेटेड कंपाउंड और सेचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पर जो है सो ये दो बेंजीन एक दूसरे के साथ अटैच, यानी यह जो है इसको हम लोग कहेंगे नेप्थलीन, और नेप्थलीन जो है एक अनसेचुरेटेड, यहां से लिख सकते हैं डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इस केस में ये ब्रिज हेड कार्बन, तो ये जो है डबल बॉन्ड जैसा लग तो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड ये है नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये कार्बन यहाँ, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो ये जो है यहां से इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां से इधर ऐसे इस तरह से है, और यहां से ये, मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है। ये कार्बन होगा, इस कार्बन, इस कार्बन, यहां पर ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, ये ब्रिज कंपाउंड बना है। तो ऐसे स्थिति में ये सिंगल बॉन्ड ही है, तो सभी लिख सकते हैं इसमें सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें भी वही सैचुरेटेड कंपाउंड भी, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, ये सब कार्बन है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर भी लिखेंगे ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस तरह से जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हम लोग करते हैं। और ये जो डीपीपी टू का ये जो है सॉल्यूशन था, इस डीपीपी टू में जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन था, और इसमें बताना था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, प्लैनर नॉन प्लैनर, हाइब्रिडाइजेशन, और इसके अलावा भी हम लोग एरोमेटिसिटी को भी देख लिए। तो इस तरह से जो है सो हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लिए कि किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो इसके बाद फिर जो है सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।